नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन के नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ मनसा सेठ की यहाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागर से चिट्ठी आ जाती है भात की, अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है। और कहने के झगड़े बहुत है, आप श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं, सरसागढ़ में आ जाते हैं। और हरनंद जी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरड़ा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे, जा के कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी लज्जा को डबो दिया, आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है और क्या नरसिंह बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है, अब सुनिए। बाप लगू रिश्ते में, मेरी बात सुन ले। और हर नंदी ले रही आते रोक के मेरी री बेटी जो ना मैं कमावे ना सरसागर से चल जा हो जा माई
नरसी शेर पिताजी से, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी अब मेरे कोरोने नामारों में सुबह होगा, मैं चला जाऊंगा। अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब हंसी कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और उस गौशाला के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं। सवेरे का टेम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले, देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही वही सामान जो जो उसके सिमदी सिमधन ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था, तो सारा का सारा सामान वही नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसी भगत कहते हैं, महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है, परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों? कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था पहले उसका। महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बोतरी में तो जंगल में से बथवा लाता हूँ और साग घोटता हूँ, खा लेता हूँ। अच्छा क्या के आप एक काम करे, कहीं से एक गाड़ी और दो बलद मांग लिया, ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिल के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसी सेठ का गठवाड़ा बन के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंदी से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपको दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार। चले हरी रगल में नरसी बाबा दे बराया, चले हरी रगल में नरसी बाबा दे बराया, अंदर साथ में दियो गमाया, तू जवान बढ़ के कृष्ण मारी थी नरसी की काया, जमा जम अरत में होली आरती पे नरसी आया, जमा जम अरत में होली आरती पे नरसी आया। चार से चंदी के थार नरसी ने सुनेरी दिए, कभी से गिलास सुने चंदी के कब से किए, सवा से मेरी रखड़ी सूरे ढाई दही दिए, सवा से सुनेरी रखड़ी पूरे ढाई दही दिए, हर कावर लाल परात में चिल देख बाल सरकाया, चले हरी गल में नरसी बाबा ने बनाया, चले हरी गल
प्यारा किन्ना मैं भगवान करार कर चीरे पकी चमचे मोटो की लगाई लार पिलंते सुनेरी है जो की जिने रहे नाई तार चमी सोना पर सन लगा समाने वह आई पुआर चांदी सोना पर सन लगा अंबर से है आई पुआर दुनिया के माती सी नैना ऐसा बात भरा दुनिया के माँ बैठा ऐसा बात भरा हर पीठ है मन छुआरे लारा तारा मन बदाम पके चांदी के बात सो मैं भर के पानिया के बीच रखे एक एक नमाद मन सा सिर के चुके के चके हर कह रघुवीर घड़ी साथ में बदले हर की माया रे चले हरी गैल में नरसी का भाव भराया चले हरी गैल में नरसी का भाव भराया चले हरी गैल में नरसी का भाव सदयुग के जमाने की कथा है राजा त्रिशंकु जी के कौन महाराज हरिचंद दानी वीर जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था उनका सत दिगाने के लिए इतिहास तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धाजी में आकर के होली का दिन आ जाता है तारा रानी कहती है बेटा रोहतास के हाँ माता जी जाओ बेटा घर घर में होली मनी हुई है बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ क्यों कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुपकर बैठता है और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विश्वर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा का हाय माँ मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है क्या होया इसे तो लड़का कहता है री माता मालन काशी जी में चली जा मेरी माँ का नाम तारा है जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है काशी जी में आती है कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है तो तारा रानी सुनते कहती है हाँ बहना क्या बात है कि तेरा लड़का रोहतास है हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था कि जरूर गया था तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है कभी पीटती है और क्या कहती है भगवान तेरी माया परम्पार है राज भी ले लिया एक लड़का था ये भी ले लिया अब क्या कहती है अपने बेटे को देख कर क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा अब क्या कहती है अपने बेटे को मोरे डस गया नाग बेरी आज मेरे लाल ने और पाटिया बिछाती बेटा देखते छाती देखते हाल में पटिया छ
साथी बेटा देख तेरे हाल ने और कसे कहा नाग बैरी और मुंह में आर जाग बेटा लीली होरी काया बेजार होकर होती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई। लड़के को लेकर केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पर आ जाती है, जहाँ के राजा हरिचंद की ड्यूटी लगी हुई थी, आकर के चीता लगा देती है
और राजा हरिचंद ने आके ठोकर मारता है, ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे सवा रुपा, जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे, मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, काली भंगी का नौकर हूँ, पहले सवा रुपा दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद क्या कहता है, घाट पे चौकी मेरी मैं नौकर काले का सवार पया बदनावत में कोना दूर तेरे मत घबरावे, बदनावत में कोना दूर तेरे का नौकर हूँ, पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा, जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया कि महाराज आधा बेटा मेरा है आधा आपका है, आधा कर आप
प्यार करें तो आधा मैं करूं कि नहीं रानी आपको सारा ही करना पड़ेगा। कच्छा महाराज एक काम करो, मेरे पास पैसा तो नहीं, चार आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज एक रुपए में मेरा आधा चीर ले लें, आप सवा रुपया महाराज ये कीमत है आप पूरा कर लें। कि अच्छा ऐसा तो नहीं, लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो, मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, जो मेरा मालिक रजावंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना। नहीं नहीं, तो चीर लेकर के गल की कंठी लेकर के कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते लो महाराज कालिए ने देखा रे हमारे कांसी जी में हरिये के, हाँ ऐसा कमजोर कौन है जिसके पास सवा रुपया भी नहीं पाया, कि महाराज एक दुखिया है उसके पास एक पैसा भी नहीं और ये मैं सवा रुपये में गल की कंठी और ये चीर ले कर आया, के ऐसा कौन है। अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है कौन, एक रोती छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा छोड़ के आया, छोड़ के आया पकड़े धर्म डोरी में, मैं नौकरोड़ी
शालकोट में कौन राजा सलीभान राज करते थे, जिनके यहाँ दो रानियां थी, एक का नाम इंछरा दे, एक का नाम नौना दे। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। कौन? गुरु गोरखनाथ चले आते हैं। 12 साल की रानी ने सेवा करी इंछरा रानी ने, और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया, जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा, नाम पूर्ण भगत रखना। तो गुरु गोरखनाथ का बाप खाली जाने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है? पूर्ण भक्त। भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती है किसकी? पूर्ण भक्त की। पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से जाओ, पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ। उसके दो माता हैं, एक नौना दे और एक इच्छरा दे, जाओ प्री माताओं के दर्शन करेगा। तो पूर्ण भगत कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है और क्या कहता है पूर्ण भक्त अपनी मौसी से अपनी माता से? हाथ जोड़ के राम राम ले, हाथ जोड़ के चरणों में शीश निवाया।
राजूरी चले गंगा धन नवाजूरी तू किसी के कथा मंत्र पूरे किसी के कथा मंत्र पूरे मंत्र राजूरी तीर्थ धान में जी कर स्नान करा दूरी नौकर चक्कर बांधी ने कुछ नौकर चक्कर बांधी ने देखा तो भटनाबर तेरी जगर का पायारी करके में बदलाया रे कादे में बदलाया जी आपके कवल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो लौना दे कहती है उसकी सूरत को देख के और मोहित हो जाती है, कहती है कि माता माता मत कहो माता है तेरी कौन, अरे माता तो वा होती जो पुत्र जन्म है जो, मैं तेरी माता नहीं क्यों, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। तो पूर्ण भगत कहते हैं माता ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जमीन फट जाएगी आसमान टूट जाएगा, ऐसा मत बोले, तू मेरी माँ है मैं तेरा पुत्र हूँ। नौना दे कहती है पूर्ण भक्त या तो मेरी बात को मान ले वरना तू ये जान से मरवा दूंगी। माता जान से मरवा दे या ना मरवा दे, मेरी जान मेरी है, मैं किसी से उधारी नहीं लाया, लेकिन ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। तो पूर्ण भगत वहां से चल देता है। चलती दफा नौना दे रानी ने एक रुमाल उसकी जेब में से निकाल लिया। अब रानी त्रिया चलतर जाना ना को पति मार के सती हो, आप चिलतर दिखाती है राजा सलीभान महल माता राजा से क्या कहती है, महाराज आपका लड़के को आप मेरी बेइज्जती करी, बहुत खराब तेरा लड़का पूर्ण भगत मेरी साथ में बड़ी नाच क्या किया। देखिए मेरी बात सुनिए महाराज, ओ तेरा पूरण मल है बदमाश है, तेरा पूरण मल बदमाश है दिखी ना क्या जोर बोर खड़ा, जब मैं उसके आगे
बोला मेरी जी करे करे नाम इसका करूंगा के मैं बोली ये जड़ के मर्दा घर में आगे बकेरे ते वो बोला मेरी जी करे करे ना छड़ पड़ चुकी है रे वो बोला मेरी जी करे करे ना मेरा सेड़क पड़ चुकी I got it.